से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई। ऐसे में मुजफ्फरपुर के तमाम पूजा पंडालों में भक्त जन माता रानी के आगमन की तैयारियों में जुट गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो नवरात्रि के पहले दिन जिले के बुचहा प्रखंड अंतर्गत सरकुद्दीनपुर में 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान पूरा इलाका जय माता दी के जयकारे से गुंजायमान रहा। बता दें कि माँ की आराधना के लिए पूजा पंडाल के साथ मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मेले के आयोजक सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पहली बार यहाँ के बच्चे और अभिभावक बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। इन 9 दिनों में माता की आराधना होगी, जिसमें पूजा अर्चना के बाद आरती और प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। अच्छा लग रहा है, माता रानी आए, हम लोग कलश उठाए और हम लोग डुमरी घाट से यहाँ पे जल लेकर आए हैं। प्रचार हुआ था गाड़ी से। बहुत अच्छा लग रहा है, माता रानी आ रही है, यही हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है और नवरात्रि हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई। ऐसे में मुजफ्फरपुर के तमाम पूजा पंडालों में भक्त जन माता रानी के आगमन की तैयारियों में जुट गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो नवरात्रि के पहले दिन जिले के बुचहा प्रखंड अंतर्गत सरकुद्दीनपुर में 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान पूरा इलाका जय माता दी के जयकारे से गुंजायमान रहा। बता दें कि माँ की आराधना के लिए पूजा पंडाल के साथ मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मेले के आयोजक सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पहली बार यहाँ के बच्चे और अभिभावक बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। इन 9 दिनों में माता की आराधना होगी, जिसमें पूजा अर्चना के बाद आरती और प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। अच्छा लग रहा है, माता रानी आए, हम लोग कलश उठाए और हम लोग डुमरी घाट से यहाँ पे जल लेकर आए हैं। प्रचार हुआ था गाड़ी से। बहुत अच्छा लग रहा है, माता रानी आ रही है, यही हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है और नवरात्रि हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियेटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।